टीनेजर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक है, खुश है, मजे में, एंजॉय कर रहे हैं। तो कल वाला ऑयल आप लोगों को कैसा लगा? आपके सभी वीडियो बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे को इफेक्ट भी मिल रहा है उसका अच्छे से। थैंक यू दीदी। पता नहीं है क्या चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप नए हैं, पता नहीं है, तो हमारे चैनल पे चली हुई है टीनेजर हेयर ग्रोथ सीरीज। जैसे टीनेजर एक ऐसी एज होती है जहाँ पे हमें पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता कि हमें अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों की हेल्प करने वाली हूँ। कल मैंने आप लोगों को ऑयल दिया है, तो इस सीरीज को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबा खींच लूँगी तो ऐसे बोरियत सी आ जाएगी, है ना। तो मैं एक ही वीडियो में डिटेलिंग करती हुई चलूँगी। जैसे कल मैंने ऑयल बनाया है और वीडियो में ही मैंने ये बताया है कि आपको उसे कैसे लगाना है। बेतुकी बातें हम करते नहीं हैं और आज हम बनाएंगे DIY। ऑयल दिया है और ये DIY, बस आपका हेयर केयर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले वाली वीडियो नहीं देखे ना, आज वाली वीडियो देखने का फायदा ही नहीं है। जाइए पहले वो हेयर ऑयल प्रिपेयर कीजिए, पहला जो इम्पोर्टेंट पोर्शन आपके बालों के लिए, जो खाना होता है ना, वो ऑयल ही होता है। अगर ऑयल नहीं लगाया तो आप चाह के भी अपने बालों को अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो वो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है ऑयल में जो मैंने डाले हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अदरवाइज आपको इससे पहले वाली वीडियो जो होगी चैनल पे, वो आपकी ही होगी, यानी कि टीनेजर्स की होगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के हमारे DIY की तरफ, जो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत बेसिक सा है, क्योंकि हमें हमारे हेयर केयर की जो स्टार्टिंग है वो बेसिक सी चीज़ों के साथ ही करनी चाहिए, ताकि जो हम चीज़ें हार्ड होती हैं, कई चीज़ें अगर आप उनको लगा लेते हैं ना, तो आपको उनका एकदम से साइड इफेक्ट मिल सकता है। तो सिर्फ बेसिक सी सिंपल सी चीज़ें हम यूज करेंगे। चलिए फिर DIY तो रेमेडी बनाने के लिए हम लेंगे पेन। जैसे आप अपने हेयर केयर की शुरुआत में हैं, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ आप करने जा रहे हैं, तो आपको जो थिक पेस्ट आते हैं ना, जो लेप जैसा लगा होता है, जिनकी कंसिस्टेंसी जैसे कि थिक मेथी दाना आप मिक्स करके लगाते हैं, समझ गए ना आप, वो लेप नहीं लगाना है। जितना आप वोटरी फोम रेमेडी यूज करेंगे ना, वो आपके बालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, क्योंकि आप लेप लगाएंगे खींच खींच के बालों को, तो आपके आधे से ज़्यादा बाल तो वैसे ही टूट जाएंगे। इसीलिए मैं विश्वास रखती हूँ जो वोटरी फोम वाली रेमेडीज होती हैं, उनके ऊपर मुझे ज़्यादा ट्रस्ट है। तो आपका फर्स्ट इन्ग्रीडियंट्स होगा, आपका बेसिक इन्ग्रीडियंट्स है ये आंवला। आंवला हर कोई यूज करता है, और जब आप अपना हेयर केयर स्टार्ट कर रहे हैं तो आंवला से बेस्ट कुछ आपके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके बालों को ग्रो होने में, आपके बालों को काला बनाए रखता है, टाइम से पहले सफ़ेद नहीं होने देता है, और बहुत ही अमेजिंग इन्ग्रीडियंट्स है। डेफिनेटली आपके पास ये अवेलेबल होगा ही होगा। तो सिर्फ एक मुट्ठी भर आपको ड्राई आंवला ले लेना है। आप यहाँ पे आंवला पाउडर का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे फ्रेश आंवला का भी यूज कर सकते हैं। फिर आपको हल्का सा, एक मुट्ठी से कम, इतू सा ही, लगभग एक से डेढ़ चम्मच आपको इसके अंदर डाल देना है राइस। राइस बहुत इफेक्टिवली तरीके से आपके बालों पे काम करेगा। यंग वुमन्स यूज करती हैं, इससे क्या होगा, आपके बाल पतले नहीं होंगे, आपको थिन हेयर की कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अगर आप अपने हेयर केयर रूटीन में चावल का यूज करते हैं, तो प्रोटीन होता है और इसके अंदर पानी होता है, बालों को हाइड्रेट रखता है, बालों को डैमेज नहीं होने देता है। तो सिर्फ इतना सा ही आपको इसके अंदर डालना है चावल, कोई भी चावल आप यूज कर सकते हैं, बासमती, टूटा फूटा, जो भी है आपके पास इजीली अवेलेबल, ब्राउन राइस भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जितना हमने चावल लिया था उतना ही, डेढ़ चम्मच के करीब हम यहाँ पे फेनुग्रीक सीड लेंगे। इसका हमने ऑयल भी तैयार किया है और ये हम पैक में भी तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बालों के लिए, और जब आप इसको इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के साथ लगाते हैं ना, तो बहुत मैजिक हो जाता है आपके बालों पे। आपको थिनिंग हेयर की या फिर बाल्डनेस की या फिर गंजेपन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, अगर आप स्टार्टिंग में ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपने बालों को खिला देते हैं, पिला देते हैं, लगा लेते हैं। साथ के साथ ये आपकी स्कैल्प को भी स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ चलेगा, ताकि भविष्य में आपको हेयर फॉल ना हो। तो एक गिलास हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, फिर आपको इसे अच्छे से उबालना है। जो एक गिलास पानी है वो आपका आधा होना चाहिए, इतना उबालना है, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो मैं इसको पहले उबाल के लेके आती हूँ और फिर इसका कलर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पानी बनके तैयार है, हल्का सा ठंडा हो चुका है, अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी मैश कर सकते हैं, लेकिन अभी ये हल्का सा गर्म है, हाथ नहीं जा रहा है, तो हल्का सा हम इनको मैश कर लेंगे
और मैस करने के बाद क्या होगा कि जो भी इनकी अच्छी सी क्वालिटी होती है ना लास्ट वाली, वो सारी आपको पानी के अंदर मिल जाएंगी। फिर आपको लेना है खाली कंटेनर और हम इसको इसके अंदर स्टैंड कर लेंगे। तो ये हमारी मैजिकल रेमेडी बन के तैयार है। आपको इसके अंदर पानी डालने की जरूरत, ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल हमने ऑलरेडी रात में लगाया है, ठीक है ना। तो ये रेमेडी आपके बालों पे इतना अच्छा इफेक्ट डालेगा। और हाँ, अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल्स है ना, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलवेंडर है, रोजमेरी है, टी ट्री है, स्नेमन है, जो भी है आप उसको डाल लीजिएगा, लेकिन लेमन एसेंशियल ऑयल इसके अंदर नहीं डालना है। तो ये बनके तैयार हो गई है। एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी चलिए फिर हम सुन लेते हैं, कब कब लगानी है, कैसे कैसे लगानी है, सारी डिटेलिंग हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये DIY वीडियो आपको कब लगाना है, ऑयल एप्लीकेशन आपने किया हुआ है रात में, ऑफकोर्स आप वो वाला ऑयल लगा के सोएंगे। नेक्स्ट डे उठते ही सबसे पहला आपका दिन का काम क्या होगा, ये वाली रेमेडी आपको अपने बालों पे लगानी है। 2-3 घंटे के लिए आप इसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे 3 घंटे के लिए। 3 घंटे आपको इसे रखना ही है, चाहे आप शाम में हेयर वॉश करें चाहे आप सुबह, 3 घंटे कंपलसरी है। अगर आप 3 घंटे नहीं लगा पाएंगे तो आप इसका पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो ये फिंगर से तो नहीं लगानी है, कॉटन की मदद से आपको ये रेमेडी अपने बालों पर लगानी है। कॉटन से क्यों, क्योंकि कई बार हमको पता नहीं होता जब हम स्टार्टिंग में होते हैं कि हमें हमारी फिंगर का कितना प्रेशर स्कैल्प पे डालना है, इसीलिए आपको कॉटन डिप करनी है। कॉटन के साथ हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेक्शन टू सेक्शन आपके बालों में इसे लगाना है। और हाँ, कॉम्ब करना मत भूलिएगा। अगर आपने रात में कॉम्ब किया है और सुबह उठते ही आप ये रेमेडी लगा रहे हैं तो कॉम्ब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप शाम को एप्लीकेशन कर रहे हैं तो एक बार अपने बालों पे कॉम्ब पक्का कर ले। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी स्कैल्प पे और पूरी हेयर लेंथ पे इस रेमेडी को लगाएंगे, लगा के आप इसको छोड़ देंगे और रेस्ट करेंगे, आपका जो काम है वो आप कर सकते हैं। तो ये सही तरीका है इस रेमेडी को यूज करने का। जैसे मैंने बताया, जितने मंथ भी आप ये ऑयल और ये रेमेडी लगाएंगे, सेम ऐसे ही तरीके से आपको लगानी है, ठीक है। अगर आप ऐसे तरीके से लगाएंगे ना, तो एक महीने में आपको पक्का 200% रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, वो हैं तो बेसिक लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो इसको बनाना है, हेयर ऑयल भी आपको बनाना है, ये रेमेडी भी आपको लगानी है, दोनों चीज़ें आपकी साथ साथ चलने वाली हैं, कोई एक भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और ये जो रेमेडी है ना, आई होप कि सबको सूट करेगी, सबको, चाहे आपका स्कैल्प टाइप कोई भी हो। तो ये था आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय बाय।